मतलब देख रहे हैं आप कितनी दूर से पानी आया है, छींटे पानी के इतनी दूर आया है। टाइम देखिए 1:42 और ये 1:42 सुबह के हो रहे हैं। यहाँ मैं सो रहा था तो एक एक बूंद अभी पानी के फुहारे मेरे चेहरे पे लग रहे हैं। बोरी बिस्तरा यहाँ से उठाते हैं और शेड में जाते हैं। मच्छरदानी मैंने खोल के वहाँ पे रख दिया हूँ और अब इसको उठा के वहाँ पे लेके जाएंगे। ये सही बात नहीं है यार, जब रात को सोया था तो एक दो तारे दिख रहे थे तो मुझको लगा कि नहीं गिरेगा पानी। मम्मी बोली भी कि सो जा, लेकिन अब मुझको ये लग रहा है कि अब कल से मैं रिस्क नहीं लूँगा। थोड़ा भी डाउट होगा अंदर सोएंगे। अब मैं उधर सोने का रिस्क शायद कभी नहीं लूँगा। आज भले मैंने अपनी मच्छरदानी यहाँ लगा लिया हूँ, लेकिन यदि फ्यूचर में लगाना पड़ा तो यहाँ लगाऊँगा सामने इधर, क्योंकि यहाँ पे ये शेड के बिल्कुल नीचे पड़ेगा। यहाँ पे फिर भी पानी आता है तो उधर से या इधर से ज़्यादा चांसेस रहते हैं आने के, तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी मैं सोता हूँ, आप तो सो ही रहे हैं, गुड नाइट। फिर भी गुड मॉर्निंग। ये मच्छरदानी मेरे मुंह के इतने करीब है ना, मतलब कान के भी, कि सारी रात मच्छरों ने गाना सुनाया है और मैंने सुना, क्या कर सकते। देखिए किस अंदाज में लगी है, जैसे पर्वत नहीं होते हैं ऐसे लहरदार, वैसे लगी है बीच में ऐसे, और फिर इस तरफ। इसको इस तरफ होना चाहिए लेकिन ये उधर है तो उसीलिए थोड़ी सी छोटी पड़ रही थी सोने में। कल पानी गिरा है ना बहुत तेज, तो मौसम ठंडा भी है और थोड़ा सा बादल ने अपना रुख बदला भी है। अच्छा कलर दिख रहा है यहाँ पे सबसे ज़्यादा अच्छा। शाम के बज रहे हैं 7 और 2 दिन से यहाँ पे ऐसा मौसम हो रहा है ना कि बहुत तेज़ बारिश हो रही है और साथ में हवाएं भी चल रही हैं। दिखाता हूँ आपको, पूरा छत गीला हो चुका है, वो तो खुला है तो वहाँ गीला हुआ है। और मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये ऊपर शेड है, पूरा वहाँ तक शेड है, लेकिन फिर भी देखिए पूरा इतना दूर दूर तक पानी गिरा है। ऑफिस में भी अपने यहाँ पे देखिए, इतनी तेज़ हवाएं चल रही थी कि इतनी दूर तक पानी आया है। पूरा यहाँ पे शेड होने के बाद भी पूरा इस कॉर्नर तक में पानी आ गया। ये अपनी खटिया भी गीली हो गई है। सोना अपने को इसी पे है, ज़्यादा गीली नहीं हुई है, थोड़ी बहुत गीली हुई है। बादल देखिए, इतना पानी गिरा है लेकिन उसके बावजूद भी बादल का कलर बहुत अच्छा है। इस तरफ नहीं है देखने लायक, सिर्फ इस तरफ है। ओहो, अभी मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि बिजली आए तो फिर मैं पूजा करने जाऊँ और उसके बाद आज की वीडियो शुरू करूँ, क्योंकि मैंने शुरू कर दिया हूँ, मतलब शुरू सुबह कर दिया था, लेकिन और भी कुछ बातें हैं जो आप लोग से करनी। तो अभी लाइट का वेट हो रहा है कि लाइट आए, पूजा करें, उसके बाद मैं अपनी बात स्टार्ट करूंगा आपसे। वो देखिए नाली में पानी भी भर गया है, ओपन नाली होने के बाद भी, अभी कोई रहता नहीं है उधर, फिर भी क्या गंदगी है यार। मतलब देख रहे हैं आप कितनी दूर से पानी आया है, छींटे पानी के इतनी दूर आया है। पिछले 2 दिन से मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि मैं सुबह में वीडियो बनाना स्टार्ट तो कर देता हूँ लेकिन उसके बाद मैं उसको कंटिन्यू नहीं कर पाता हूँ। मतलब जब मैं ब्रेकफास्ट करता हूँ उसके बाद से मैं व्लॉग कर ही नहीं पाता हूँ, फिर शाम को ही सीधा होता है। इसके पीछे भी कुछ रीज़न है। रीज़न नंबर 1 कि जो ऊपर वाला रूम है उस रूम में गर्मी बहुत होती है, मतलब सिर्फ एक फ़ैन है उसमें और ना एसी है ना कूलर है, तो गर्मी ज़्यादा होती है। दूसरा रीज़न ये है कि वीडियो बनाने के पहले बहुत कुछ सोचना पड़ता है कि वीडियो में क्या बोलना है, कितना लंबा बोलना है, कहाँ पर बोलना है, तो ये सारी चीज़ें सोचने में टाइम जाता है। और सुबह सुबह अगर मैं इतना सोचने लगूँ ना तो मेरे बाकी के काम पेंडिंग हो जाते हैं, तो ये वीडियो तो वैसे भी नहीं बन पाती है और फिर इसके बाद के भी काम ढीले हो जाते हैं। तो उस चक्कर में 2 दिन से ऐसा हो रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ कि नहीं अब सीधे शाम को व्लॉग किया जाएगा, तो ऐसे में शाम को व्लॉग करना मेरे लिए ईजी पड़ रहा था। अच्छा आपको एक बात बतानी थी, जब मैं 12th में था या फिर 10th में भी, तो मेरे मम्मी पापा अक्सर गाँव जाया करते थे,
तो कई बार होता ये था कि मुझको वो लोग अकेला छोड़ के चले जाते थे, तब मुझको खाना बनाना तो आता नहीं था। खैर, खाना बनाने अभी भी नहीं आता है, तो मैं कैसे सरवाइव करता था? जैसे वो लोग 10 दिन या 15 दिन के लिए जाते थे, तो उन पूरे दिनों में मैं क्या बनाता था? सिर्फ आलू की सब्जी, रोटी। रोटी भी कैसा कि 4 रोटी खाना है तो गेंद के तुरंत बेले, तुरंत उसको पकाए और तुरंत खा लिए। नहीं तो आलू की भुजिया बनाता था, चावल और दाल, सिर्फ यही चीज़ बनती थी, इसके अलावा कुछ नहीं। अंडा उबालना हो तो मम्मी से पूछ कर अंडा उबालता था कभी कभी, लेकिन ये चीज़ तो मैं करते ही नहीं था। इसके अलावा अगर कभी चाय भी पीने को मन करे ना, तो भी मैं सोचता था यार चाय से क्या होगा, मतलब आप चाय भी पियेंगे फिर उसके बाद खाना तो खाना ही है, तो मैं डायरेक्ट खाना ही बना लेता था, क्योंकि जब खाना खाना ही है तो चाय पी कोई मतलब नहीं है। तो मेरे को कुछ भी नहीं आता था बनाते, अभी भी नहीं आता है। पोहा भी मैं नहीं बना पाता हूँ अभी भी, और एक मैगी बना लेता हूँ बस। तो दाल चावल और सिर्फ आलू की भुजिया, इतनी ही चीज़ बना पाता था पहले भी और अभी भी। ये तब की बात है जब मैं यूट्यूब पे नहीं था, और यूट्यूब पे आने के बाद अभी हाल ही में मैंने अपनी एक आदत सुधारी है कि बहुत दिन से मैं सोचता था एक्सरसाइज करने को और स्टार्ट नहीं कर पा रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना वीडियोस बनाऊं, आप लोगों को भी दिखाऊंगा जो जो मैं एक्सरसाइजेस करूंगा और अपनी आदत भी सुधार लूंगा। तो इन्हीं वीडियोस के माध्यम से मैंने अपनी हैबिट बना ली एक्सरसाइज करने की। तो ऐसे में अब मैं सोच रहा हूँ कि डेली डेली मैं एक ही एक्सरसाइज आप लोगों को कैसे दिखाऊँ। मतलब अगर मुझको भी किसी का कंटेंट देखना पसंद है, तो डेली अगर मैं एक ही चीज़ देखूंगा, मतलब सामने वाला एक ही चीज़ अगर दिखाएगा, तो थोड़ा सा बेकार लगेगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि ये आदत तो मैंने सुधार ली है अपनी एक्सरसाइज करने की, और ऐसा नहीं है कि एक्सरसाइजेस मैंने सिर्फ आपको देखने के लिए स्टार्ट किए, नहीं, अगर मैं वीडियोस नहीं भी बनाऊंगा एक्सरसाइजेस की, फिर भी मैं एक्सरसाइजेस करता रहूंगा। आपको 15, 20 या 30 दिन बाद मैं फिर से एक्सरसाइज वाली वीडियो एक दिखा दूंगा करके, इससे आपको पता चल जाएगा कि पहले मुझसे वो चीज़ नहीं हो पाता था लेकिन अब हो जा रहा है। तो इससे साबित ये होगा कि मैं एक्सरसाइजेस कर रहा हूँ, बंद नहीं किया हूँ करना। तो मेरा सोचना ये है कि इन वीडियोस के जरिए मैंने एक अपनी अच्छी आदत डाली एक्सरसाइज करने की, तो क्यों ना इसको मैं एक और अच्छी चीज़ में तब्दील करूँ, मतलब मैं कुछ खाना बनाने के लिए सीखूँ। अब इसमें देखिए दोनों का फायदा है, मेरा फायदा ये है कि मैं खाना बनाना सीख जाऊँगा, आपका फायदा ये है कि आपको कुछ अलग कॉन्टेंट मिलेगा, और एक और मेरा फायदा ये है कि मैं भी आपको कुछ वेराइटी ऑफ कॉन्टेंट दे पाऊंगा। मतलब एक ही चीज़ दे दे के मुझको भी पर्सनली अच्छा नहीं लगेगा, और एक ही चीज़ देख देख के आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। अभी इस बात पे मैं अमल कितना करूँगा मुझको नहीं पता, केवल अभी सोच रहा हूँ। लेकिन एक बात तो है, किसी भी काम को करने से पहले आपको सोचना ज़रूर पड़ता है, तो अभी फ़िलहाल मैं वही कर रहा हूँ। 10 बजने वाले हैं, और जब मैं पहला रीज़न आपको बताया था छत से, तब टाइम हो रहा था 7 बज रहा था, तब लाइट अभी आई है 9:30 बजे। डिनर भी आज हम लोग को कैंडल लाइट डिनर करना पड़ा, तो कैंडल लाइट डिनर किया हूँ और लाइट का इंतज़ार कर रहा था कि लाइट आए तो वीडियोस में बनाऊंगा, तो 9:30 बजे आया वीडियो शूट करने। तो अब इस वीडियो का अंतिम पार्ट है, तो सोचा मैं आपको बता दूं। और ये टीका जो है बिगड़ गया था, इसलिए मैंने पोज दिया कि फिर ऑड ना लगे। तो आप ये मत सोचिएगा कि टीका कहाँ गया, ऐसा ये घटना घटी थी टीके के साथ। अभी व्लॉग्स छोटे भी आएंगे, बड़े भी आएंगे, मिक्स भी आएंगे, कैसा क्या होने वाला है मुझको कुछ नहीं पता, बस आएंगे इतना काफी है। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो एक लाइक कर सकते हैं, कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट छोड़ सकते हैं। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, मिलो। और ये देखो यार कितना गंदा लग रहा है, 3 दिन से लगातार पोछा लगा रहा हूं। अखरता है यार रोज रोज पोछा लगाना।